सॉरी चाचा जी, मुझे ऐसे नहीं लड़ना चाहिए था। वो भिड़े ने मुझे चोर कहा तो मुझे एकदम गुस्सा आ गया था। सॉरी चाचा जी, मुझे भी ऐसे बिना कारण जाने उपड़ाल को चोर नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन इसने मेरे चरित्र पे इल्जाम लगाया तो मुझे भी गुस्सा आ गया। सॉरी सॉरी। मेरी माँ हमेशा कहती है, हर परिस्थिति में गुस्से पर काबू रखना ही जीवन की सबसे बड़ी चुनौती और समझदारी होती है। सही बात है, गुस्से पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। चलिए अब आप एक दूसरे को सॉरी बोलिए आप दोनों। हाँ। अरे बोलो। सॉरी पोपटलाल। सॉरी भिड़े। अरे सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा, चलो दोनों आपस में गले मिलो। चलो। हाँ चलो। वेरी गुड। अरे देखो फ्रेंड्स, बाबा और पोपट अंकल की वापस बट्टी हो गई। हाँ बेटा। हाँ, इसी खुशी के मौके पर पार्टी होनी चाहिए, चॉकलेट पार्टी। चॉकलेट किधर है? ये लीजिए, मुंह मिट्टा कीजिए। चलो हंस, सब शांत हो गया, तूफान थम गया। हाँ हाँ दया भाभी, अंत भला तो सब भला। मम्मी, हमारे गोकुलम सोसाइटी की यही तो खासियत है, अगर हमारे बीच कोई मन मुटाव होता है तो वही थोड़ी देर में शांत भी हो जाता है। तो ईस्ट हो या वेस्ट, गोकुलम इज द बेस्ट। अरे भाई पोपट, जिस वजह से इतनी बड़ी महाभारत हुई उसका कारण तो बता, इतने सारे पेपर घर पे क्यों लेके जा रहा था? हाँ क्या चाचा जी, पूरी सोसाइटी में से किसी ने ध्यान नहीं दिया। पिछले एक हफ्ते से मैं अलग अलग अखबारों में अपनी शादी का इश्तिहार दे रहा हूँ, और वो भी कलर फोटोग्राफ के साथ। वाह। और कौन से अखबार में इश्तिहार कब छपा है इसका रिकॉर्ड रखने के लिए मैं ये सारे अखबार ले जाता था। एक मिनट, ये देखिए ये देखिए। अरे वाह, बड़े अच्छे दिख रहे हो पोपटलाल। समझा भाई भिंडी मास्टर, ये डिब्बा रोज पेपर घर पे क्यों लेके जाता था? और ये भिड़े ने पूरी बात जाने बिना, मेरी भावनाओं को समझे बिना सीधा मुझे चोर कह दिया। सॉरी, गलती मेरी है। मैंने ही भिड़े भाई को बताया कि कुछ दिनों से पेपर स्टैंड पे से पेपर चोरी हो रहे हैं। लो बोलो पोपटलाल, वंस अगेन आई एम रियली सॉरी। मुझे तुम्हारी भावनाओं की कदर है, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। पोपटलाल भाई, आपके एड को सुपर डुपर हिट रिस्पांस मिलेगा। ऑल द बेस्ट। गुड लक। ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। अब चलो चलो कोमल, बात में कुछ वजन नहीं था और इतना बड़ा हंगामा हो गया। ए, भीड़े भी ना। और ये चॉकलेट खा के ना मुझे भूख लग रही है, कुछ खाएंगे चलो। हाँ हाँ चलते हैं, मुझे भी घर में बहुत सारे काम है। हाँ, और पोपट भाई आप हमारे घर पर चलिए, अभी गर्मी बहुत है ना, मस्त ठंडा नींबू शरबत पीजिए, मजा आ जाएगा। हाँ, आप सब भी चलिए ना। नहीं नहीं दया भाभी, थैंक यू वेरी मच, लेकिन अभी मैंने और अब्दुल ने सोनू के हाथ की बढ़िया चाय पी है। कोई बात नहीं दया भाभी, इनके हिस्से का नींबू शरबत मैं पी लूंगा। अरे भाई पोपट, तू नींबू शरबत से ना लेना बस। चलो मिलते हैं, चलो 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 चलो, बाय बाय। क्यों भाई पोपट, ये नींबू शरबत पी के अभी दिमाग ठंडा हुआ कि नहीं? हाँ और ना भी। हाँ और ना भी, मतलब आप अभी भी गुस्से में हो? नहीं नहीं दया भाभी, कंपाउंड का गुस्सा तो चाचा जी की शेर जैसी दहाड़ सुनकर ही गायब हो गया था। गुस्सा मुझे अपनी किस्मत पर आ रहा है, इतने दिनों से अखबारों में ऐड दे रहा हूँ फिर भी अभी तक कोई रिश्ता क्यों नहीं आया? अरे भाई, हर चीज अपने सही वक्त पर ही होती है, हमारे गुस्सा करने या ना करने से नहीं होती। तो चाचा जी कब आएगा वो सही वक्त? अब 2015 में मेरी शादी हो जानी चाहिए। पोपट भाई,
मेरा मन यही कहता है कि 2015 में मेरी भाभी जरूर आएगी। भाभी? दया भाभी, यह मेरी शादी की बात चल रही है, आप अपनी भाभी की बात क्यों कर रही है बीच में? अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी भाभी मतलब मेरी पत्नी ऐसे? नहीं नहीं, फिर तो आपका मन सही कह रहा है। चाचा जी, आपका मन क्या कह रहा है? ये भाई, मेरा मन भी यही कहता है कि तेरी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी, लेकिन डिब्बे शादी ऐसे ही नहीं होती। अच्छा मान ले कि अगर अचानक ही तेरे लिए कोई रिश्ता आ जाए और अचानक ही तेरी शादी तय हो जाए तो तू तैयार है ना? तैयारी का मतलब समझ रहा है ना तू? अरे चाचा जी, मैं तो सालों से तैयार हूँ, इसीलिए तो अलग अलग अखबारों में ऐड दे रहा हूँ। अरे नहीं नहीं पोपट भाई, आप समझे नहीं, बापूजी का कहने का मतलब ये है कि अभी ताबड़तोड़ आपकी शादी तय हो जाती है तो आपने पैसों की सारी व्यवस्था करके रखी है ना? अरे हाँ हाँ दया भाभी, चाचा जी आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने अब तक जीवन में शादी की तैयारी के अलावा और किया ही क्या है। पूरे 15 लाख रुपए जमा करके रखे हैं। और पता है, मेरी होने वाली पत्नी के लिए बहुत सारे गहने भी लेकर रखे हैं। और मैंने सुना है कि सोने का भाव 25,000 होने वाला है, तो उसके लिए यानी कि मेरी होने वाली पत्नी के लिए और गहने लेने की तैयारी भी कर रखी है। अरे वाह पोपट भाई, अब तो छुपी रुस्तम निकले। बापूजी सुना, पोपट भाई ने शादी की सारी तैयारी कर ली है। बस अब कोई अच्छी सी लड़की मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। अरे भाई थोड़ी धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा। अरे तू इतने दिनों से अखबारों में शादी की खबर छपवा रहा है तो कोई ना कोई लड़की वाले तो उसे पढ़ेंगे ही। कर भला तो हो भला। अरे वाह, शादी के लिए लड़के का इश्तेहार। लड़का अच्छा लग रहा है। मिंटी, ओ मिंटी कहाँ हो? हाँ जी पापा बोलिए। मिंटी ये देखो, तुम्हारे योग्य एक लड़के का शादी का इश्तेहार आया है। गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, इंटरनेशनल अखबार तूफान एक्सप्रेस के वरिष्ठ युवा पत्रकार श्री पोपट लाल के लिए सुंदर सुशील कन्या चाहिए। कन्या जिंदगी भर सुखी रहेगी, उसकी 100% गारंटी। पति जिंदगी भर पत्नी व्रता रहेगा, उसकी भी 100% गारंटी। कोई भी विवाह योग्य आदर्श लड़की तुरंत संपर्क करे। फोटो भी दी है, ये देखो। हमें जैसा लड़का चाहिए था बिल्कुल वैसा लग रहा है, एकदम भोला भाला सीधा साधा। शादी करेगी ना मिंटी? आप जो फैसला करें। मिंटी फोटो में तो लड़का अच्छा लग रहा है, पर ऐसे अखबार में ऐड देके तो रिश्ता पक्का नहीं होता ना, इसलिए हमें पता लगाना पड़ेगा कि लड़का रिश्ते के लायक है या नहीं है। अरे अब्दुल, ये अब्दुल कहाँ चला गया? जब भी काम होता है ना तो कभी नहीं मिलता। अरे अब्दुल, तू दुकान में ही है? हाँ, मैं तो कब से दुकान पे हूँ। तो मुझे क्यों नहीं दिखा? वो मैं सामान जमा रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, अब्दुल तुझे पता है ना कि मैंने बहुत सारे अलग अलग अखबारों में शादी के लिए इश्तेहार दिया है। पता है पता है। तो बहुत सारे लड़की वाले इश्तेहार पढ़कर मुझसे रिश्ते की बात करने आ सकते हैं। ऐसे क्या देख रहा है, आएंगे ना? हाँ जरूर। अरे पोपट भाई आएंगे, जरूर आएंगे। आपने इश्तेहार इतना अच्छा दिया है, मस्त। थैंक यू, मुझे तुझसे काम है। समझ गया पोपट भाई, समझ गया। आपके लिए इतने रिश्ते आएंगे कि आप टेंशन में है कि कौन सा रिश्ता पसंद करूं, इसीलिए आप मेरी सलाह लेने के लिए आए। अरे नहीं नहीं, रिश्ते की बात तय होगी तो सबसे पहले मैं दया भाभी की सलाह लूंगा। लेकिन अभी तू मेरी बात सुन, तू गेट पर नजर रखना और जैसे ही कोई लड़की वाले मुझसे रिश्ते की बात करने आए तो पूरे सम्मान के साथ उन्हें मेरे घर तक ले आना। हो सकता है वो भविष्य में मेरे ससुराल वाले बने। डोंट वरी पोपट भाई, आपके ससुराल वाले मेरे ससुराल वाले। क्या? मेरा मतलब है कि आपके गेस्ट मेरे गेस्ट, आपके गेस्ट को सम्मान के साथ मैं आपके घर तक पहुंचा दूंगा। हाँ। अच्छा सुन अब्दुल, इस फोन में ना 10 रुपए, एक काम करा 50 रुपए का रिचार्ज कर। सॉरी पोपट भाई, रिचार्ज का स्टॉक खत्म हो गया है, मैंने फोन कर दिया है, शाम तक आ जाएगा। ओहो, लेकिन ये तो अर्जेंट है। मैं काम करता हूँ, बाहर जाके रिचार्ज करवा के आता हूँ। क्या है ना, इस वक्त इश्तिहार पढ़कर मेरी फोटो देखकर कोई ना कोई लड़की वाले यहाँ आने की तैयारी कर रहे होंगे। पोपट भाई,
ऑल द बेस्ट. थैंक यू. बस अभी आता हूँ. आ जाइए. गोकुलधाम सोसाइटी. हाँ यही है. सोसाइटी तो बढ़िया है. हमारी उम्मीद, हमारी बेटी का भविष्य, सब कुछ ठीक रहा तो बात आगे बढ़ाएंगे. अब भगवान करे पोपट लाल जी हमारी उम्मीदों पर खरे उतरे. कहीं ये पोपट भाई के लिए रिश्ता तो नहीं लेकर आए? एक्सक्यूज मी, आप कहाँ जा रहे हैं? किससे मिलना है आपको? आप? मैं ऑल इन वन जनरल स्टोर का एकलौता मालिक अब्दुल. अच्छा अच्छा अब्दुल जी, मैं यहाँ पोपट लाल जी के लिए आया हूँ. आपके हाथ में पेपर देख के ही समझ गया कि आप इश्तिहार पढ़कर यहाँ पर आए हैं. सही पहचाना आपने. मुझे पता था आप आओगे. पोपट भाई ने कहा था इश्तिहार पढ़कर कोई लड़के वाले आएंगे तो उनको सम्मान के साथ मेरे घर पर लेकर आना. चलिए मैं आपको पोपट भाई का घर दिखाता हूँ. आइए. नहीं नहीं नहीं, अभी पोपट लाल के घर नहीं जाना है. अरे कमाल है, आप पोपट भाई के इश्तिहार पढ़कर आए हैं और आप पोपट भाई से नहीं मिलना चाहते? मिलना है लेकिन बाद में. वो क्या है, उनसे मिलने से पहले मैं आस पड़ोस वालों से उनके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ. क्या है ना अब्दुल भाई, बेटी का बाप हूँ, फूंक फूंक के कदम आगे बढ़ाना पड़ता है. सिर्फ अखबार में इश्तिहार पढ़ के रिश्ता पक्का नहीं कर सकते ना, बहुत कुछ पता लगाना पड़ता है कि लड़का रिश्ते के लायक है या नहीं है. कर भला तो हो भला. अब्दुल भाई आप भी पोपट लाल जी का भला चाहते हो तो अभी ये बात किसी को बताना मत कि मैं यहाँ आया हूँ. नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा. थैंक यू. अच्छा अब्दुल भाई, आप हमारी एक मदद कर सकते हैं? जी जी कहिए. आप हमें पोपट लाल जी के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं. पोपट लाल एक पत्रकार है, छाता उसका साथी है. बार बार कहते रहते कैंसल कैंसल, दुनिया को हिला दूंगा. ओ हो हो, ये तो नहीं बताना चाहिए था, वरना पोपट भाई मेरी दुनिया हिला देंगे. नहीं नहीं, पोपट भाई बहुत अच्छे इंसान है. थैंक यू. अच्छा पोपट लाल जी के बारे में और जानना हो तो मैं सोसाइटी में किससे मिल सकता हूँ? ओहो, किसका नाम लो, कहीं मेरी तरह किसी की जबान फिसल गई तो पोपट भाई का रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाएगा. हाँ आप चंपक चाचा से मिलिए, दया भाभी से मिलिए. पोपट भाई दया भाभी को अपनी बहन मानते हैं. अच्छा ये दया बहन रहती कहाँ है? हाँ यही गोकुलधाम सोसाइटी में रहती है. चलिए मैं आपको वो दया भाभी के घर ले चलता हूँ. अच्छा अब्दुल भाई, ये कार यहीं रहने तू, चलेगा ना? हाँ हाँ चलेगा, कोई टेंशन नहीं. आइए आइए मैं आपको लेके चलता हूँ. आइए 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 आइए. ये है गोकुलधाम सोसाइटी. हाँ हाँ पोपट भाई यहाँ पर रहते हैं, सेकंड फ्लोर पे. सोसाइटी में सब नेक इंसान रहते हैं. अपने पोपट भाई भी बहुत नेक इंसान. हाँ, वो जो सीढ़ी दिख रही है ना, हाँ तो जैसे ऊपर चढ़ेंगे तो वहाँ पर दया भाभी. अच्छा है ना, तो मैं चलूँ? ठीक है अब्दुल बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया. कर भला हो भला. खुदा हाफिज़. खुदा. यस. बहुत अच्छा किया दिक्का. नमस्ते. नमस्ते दया बहन. हाँ नमस्ते, मैं ही हूँ दया बहन. दया बहन मेरा नाम विश्वजीत नायक है, मैं आप लोगों से ही मिलने आया. अच्छा अच्छा, बैठिए ना विश्वजीत काका, बैठिए. थैंक यू. मम्मी हमारे काका है. नहीं नहीं दीक्का, तुम्हारी नानी है ना, वो मुझे हमेशा कहती है कि जो वडिल होते हैं ना उनको काका के संबोधन से बुलाते हैं ना तो अच्छा लगता है. हाँ ये लीजिए. थैंक यू. जी कहिए. जी दरअसल मैं अपनी बेटी के रिश्ते के सिलसिले में आप लोगों से बात करने आया. पर शादी के लिए हमारा टप्पू तो अभी छोटा है. हाँ हमें हमारे टप्पू का बाल विवाह नहीं करा. अरे नहीं नहीं दया बहन, भाई साहब चंपकलाल टप्पू का दादा. हाँ चंपक भाई, गलतफहमी हो रही है. मैं दरअसल टप्पू के बारे में नहीं, आपकी सोसाइटी में रहते सज्जन पत्रकार पोपट लाल जी के बारे में बात करने आया हूँ. अरे वाह, आज तो पूरी सोसाइटी में मिठाई बांटनी चाहिए. हाँ, अभी पोपट भाई थोड़ी देर पहले ही हमारे घर पर थे. टप्पू जाने दीका, पोपट भाई को बुला कर. हाँ, अभी 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 नहीं, पोपट लाल जी को अभी नहीं बुलाना. दरअसल उनसे मिलने से पहले मैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेना चाहता हूँ. देखिए
पोपट भाई जैसा लड़का आप दिया लेकर ढूंढने जाएंगे ना तो भी आपको नहीं मिलेगा। मैंने अखबार में इश्तिहार देखा था, उनकी फोटो भी देखी थी, मुझे लड़का ठीक लगा इसीलिए मैं यहाँ आया। पर क्या है ना दया बहन, चंपक भाई, जमाना बहुत खराब है, थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ता है। पहले लड़के के बारे में आस पड़ोस से थोड़ी जानकारी ले लें, फिर रिश्ते के लायक बात आगे बढ़े तब लड़के से मुलाकात करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। हाँ बराबर, आपकी बात बिल्कुल सही है, लड़की जिंदगी भर सुखी रहे ऐसा लड़का और ऐसा ससुराल ढूंढना चाहिए। हाँ, और लड़के के बारे में तो सब कुछ पता करना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक लड़के के बारे में पूरी जानकारी ना मिल जाए और बात रिश्ते लायक ना हो जाए तब तक ये बात सबसे गोपनीय रहे तो ही अच्छा है। जब तक रिश्ता तय ना हो उससे पहले ही रिश्ता हो रहा है ऐसी बातें हर तरफ होने लगती हैं, और फिर मान लो किसी कारणवश रिश्ता ना हो तो फिर लोग बहुत सी बातें करते हैं। हाँ बराबर, आपने सच कहा। बराबर, सबको पता चलने के बाद अगर रिश्ता ना हो तो काफी बदनामी होती है, लोग लड़का और लड़की के बारे में उल्टी सीधी बात फैलाने लगते हैं कि लड़का और लड़की में जरूर कोई खामी है। हाँ, मेरे दादाजी कहते हैं कि किसी की तारीफ अनजान से भी करो लेकिन किसी की बुराई अपनों के सामने भी मत करो। वाह, कर भला तो हो भला, बड़े अच्छे संस्कार दिए आपने अपने पोते को। बस अब हमें यही उम्मीद है कि हमारा दामाद भी ऐसे ही संस्कारी निकले। विश्वजीत जी, सिर्फ मेरा पोता टप्पू ही नहीं, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के सभी लोग बहुत संस्कारी। और पोपट भाई भी एकदम भले और अच्छे इंसान है। हाँ, हमारे टप्पू सेना के तो फेवरेट अंकल है। सच कहूँ ना तो आपको पोपट भाई के लिए कुछ भी पूछने की जरूरत ही नहीं है, आप आँख बंद करके अपनी बेटी का रिश्ता पोपट भाई के साथ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं उनके बारे में थोड़ा और जानना चाहता हूँ। अच्छा तो सुनिए, पोपट भाई मन मौजी है और अपनी मस्ती में रहते हैं, उनको कभी कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ, आते ही मैं आपको बता दूंगा। हाँ, सब अखबारों में आ गया। थैंक यू। पोपट भाई यहीं आ रहे? नहीं, बस उसी की राह देख रहा हूँ। लड़की के पिताजी ने तो कहा था कि पोपट भाई को कुछ नहीं बताना। फोन की रिंग कभी भी बच सकती है। पोपट भाई आते ही पूछेंगे कि कोई लड़की वाले आए थे, मैं क्या जवाब दूंगा? ना सच बोल सकता हूँ ना झूठ बोल सकता हूँ। अब्दुल भाई छुप जा, अब्दुल भाई छुप जा। अरे अब्दुल, अब्दुल फिर गायब, दुकान की पड़ी ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला जाता है। क्या करूं? दया भाभी के घर जाकर चाचा जी के साथ बैठकर फर्स्ट क्लास मसालेदार चाय पीता हूं। अच्छा, आप पोपटलाल जी के बारे में कुछ और बता सकते हैं, उनके रिश्तेदारों या घर परिवार के बारे में? जी, पोपटलाल यहाँ मुंबई में अकेला रहता है, उसके कुछ रिश्तेदार हैं मगर वो भोपाल में। अच्छा, यहाँ अकेले रहते हैं? पर हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी पोपट भाई का परिवार ही है। हाँ, हमारे गोकुलधाम वाले सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी है, सब एक दूसरे का अपने परिवार के जैसा ही ख्याल रखते हैं। वाह, कर भला तो हो भला। लेकिन मुझे आपसे एक विनती करनी है, मैं पोपट जी के बारे में यहाँ जानकारी लेने आया हूँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, पोपट लाल जी को भी नहीं। क्यों? वो क्या है, मैं उनके पीछे से उनके बारे में जानकारी ले रहा हूँ, ये बात उन्हें कभी पता चलेगी तो उन्हें बुरा लग सकता है। पर एक बार मैं अपनी बेटी से तो बात कर लूं। मित्रों, किसी बेटिकट यात्री की ओर जिस तरह से टिकट कलेक्टर बढ़ता है, ठीक उसी तरह पोपटलाल इस वक्त चंपक चाचा, दया भाभी और विश्वजीत जी की ओर बढ़ रहे हैं। चंपक चाचा और दया भाभी दोनों ही ऊहापोह में हैं कि भाई विश्वजीत जी के आने का सच पोपटलाल से कैसे छिपाएं, बड़ा घमासान होगा। भाई छुपाना भी आवश्यक है क्योंकि विश्वजीत जी हैं लड़की के पिता और पोपटलाल उन्हें तो आप जानती हैं, कहीं कुछ ऐसा ना कर बैठे कि रिश्ता होने से पहले ही टूट जाए। अब देख रही है कि चंपक चाचा और दया भाभी ने जो वादा विश्वजीत जी से किया है उस वादे को तोड़ के क्या वो पोपटलाल को सच बताएं? भाई बताएं तो भी मुश्किल, ना बताएं तो भी मुश्किल, लेकिन आज इतने भी मुश्किल हो आपके लिए हंसी ही हंसी। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए। जी हाँ, और सोचिए कि क्या ये सच पता चलेगा पोपटलाल? देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.